कार डिटेलिंग स्टूडियो में जाके अपनी मॉडिफाइड BMW Z4 का हटाएंगे पर्दा और गाइज उसके बाद क्या बूम गाइज बूम। तो गाइज अपनी BMW Z4 है कपड़े के नीचे, अभी हम कपड़ा हटाने जा रहे हैं। 3 के काउंट पे हम कपड़ा हटा रहे हैं। 1 2 3। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। सबसे पहले तो आप सबको सुबह की राम राम। आज का दिन बड़ा एक्साइटमेंट वाला होने वाला है क्योंकि आपको पता है ना कि आज अपनी लाडो की मॉडिफिकेशन रिवील करने जा रहा हूं मैं गाइस, कि हमने अपनी लाडो को कैसा करवा लिया, ऐसा करवा लिया, ऐसा करवा लिया, ना जाने कैसा करवा लिया। किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं देखी होगी, ना कभी सोची होगी। आज वो चीज रिवील होगी और अभी मैंने ऊपर किसी को कुछ नहीं बताया है। हालांकि उन्हें ब्लॉग देख के आइडिया है कि गाड़ी मॉडिफाई होके आएगी, बट उन्हें नहीं पता। मैं अकेला जाऊंगा गाड़ी लेके और कार डिटेलिंग स्टूडियो में जाके अपनी मॉडिफाइड BMW Z4 का हटाएंगे पर्दा और गाइज उसके बाद क्या बूम गाइज बूम। भाई सबसे मेन चीज ये रहेगी कि लोग उसको देख के रिएक्ट कैसा करेंगे, क्या रिएक्शन रहेंगे लोगों के उस गाड़ी को देखने के बाद, क्योंकि भाई वो इतनी तगड़ी मॉडिफिकेशन होने वाली है ना भाई। बस आप देखते रहो गाइज। कल के व्लॉग में मैंने हालांकि इन्फॉर्म कर ही दिया था, तो आई होप कि आप ये वाला व्लॉग देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। बाकी गाइज जैसा कि तुम सबको पता है यार, तबीयत थोड़ी सी अप डाउन हो रखी है, तो आज सुबह सुबह उठ के भी भाई मैंने स्टीम ली। और पता है मैं कितना एक्साइटेड हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सैलून, थोड़ी सी बियर्ड सेट करवाने, थोड़े से बाल सेट करवाने और सैलून जाके टिप टॉप हो गए। टिप टॉप तो क्या होना है यार, 150 रुपए में हमारा तो काम हो जाता है। थोड़ी दाढ़ी ट्रिम करवानी होती है और थोड़े बस बाल सेट करवाने होते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई लिपाई पुताई तो हमें करानी नहीं होती भाई। तो चलो भाई एक बार सैलून जाके थोड़ा सा वो टचअप कर लेते हैं। हमारा टचअप यही है बस भाई, कैची लगती है थोड़ी, यहाँ रेजर लगता है, बस खत्म। हाँ आफ्टर शेव भी लगवा लेता हूँ मैं, जलन वलन मजा आता है। जो जलन होती है ना आफ्टर शेव लगवाने के बाद, जो जलन होती है, किस किस को मजा आता है उसमें, मुझे तो मजा आता है गाइस। बाकी मजेदार चीज ये रहेगी कि गाड़ी को देखने के बाद लोग रिएक्ट क्या करने वाले हैं, लाइक सिब्बू क्या रिएक्ट करेगी, मिक्की बल्लू इंस्टा क्या रिएक्ट करेगा, और मेरे घर वाले मम्मी पापा चीनू स्वाति क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने उनको फोटो वोटो कुछ नहीं दिखा रखी, वीडियो वगैरह किसी को कुछ नहीं दिखा रखा मैंने। उनके लिए वो एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज होगा, जैसे आप लोगों को कुछ नहीं पता ऐसे ही और किसी को कुछ नहीं पता, बस मुझे पता है और जिस कार डिटेलिंग स्टूडियो में मैंने काम करवाया उनको पता है कि गाड़ी का क्या कर रखा है, और किसी को कुछ भी नहीं पता। तो भाई ये सामने सैलून है, यहाँ चलो बाल कटवाते हैं, चल के वो थोड़ी शेव करवा लेते हैं। सो गाइस तुम्हारे भाई ने करवा लिया शेव और कुछ नहीं करवाया मैंने, और मेरी शक्ल ऐसी है जैसी थी ऐसी रहेगी, बस शेव करवाइए थोड़ी सी, यहाँ से बाल वाल थोड़े से निकल गए ना तो अब सही लग रहा है थोड़ा सा, क्या बोलते हो? पर शक्ल मेरी ऐसी हो रखी है क्यों, क्योंकि बीमार हूँ ना मैं इतने दिन से यार, लेकिन बीमारी में भी बैठ नहीं रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। शूट कर लिया मेन चैनल का एक, तो कल आ जाएगी वीडियो, मतलब वीडियो तो कल आ जाएगी बट व्लॉग जैसे 11 बजे आ रहा है ना, तो वीडियो आपको आज ही देखने को मिल जाएगी, तो आज मेरे मेन चैनल पर जाकर वीडियो देख लो, जाके मजा आएगा, करवा चौथ की वीडियो है। गाइज वापिस आ गया हूँ सोसाइटी में, बस कुछ समय और, थोड़े से पल और कटने हैं, फिर अपनी BMW Z4 का पर्दा हटेगा, बम फटेगा। तो चलो एक बार मैं ऊपर बस नहा लूं जाके और उसके बाद चलते हैं अपनी BMW Z4 को लेने। इतने दिन से यार बिना BMW Z4 के रह रहा हूं मैं, हालांकि मेरे पास व्हाइट वाली थी बीच में, बट अपने वाली BMW नहीं थी ना यार, अपनी लाडो के बिना मेरा मन नहीं लगा। आज फाइनली वो दिन आ गया गाइज, अपनी लाडो आज वापिस घर आएगी और अपनी लाडो ऐसी बन के आएगी ना पहचान में नहीं आएगी। तो गाइस तुम्हारा भाई नहा के हो गया रेडी, देखो कुछ नहीं किया, थोड़ी शेव करवाई आके नहा लिया और बाल सेट कर लिए और टिप टॉप हो गया तुम्हारा भाई। सिब्बू मैं जा रहा हूँ, एक बहुत तगड़ा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? सरप्राइज तो बताने से नहीं पता लगते ना, सरप्राइज तो जब देखते हैं तभी पता लगते हैं। तो तू रेस्ट कर, सबके लिए, सबके लिए, तेरे लिए भी, इंस्टा के लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए सरप्राइज है, सबके लिए। गाना आ रहा है क्या 10 मिलियन वाला? वो तो आ ही रहा है। चलो गाइज वो सरप्राइज नहीं है, बहुत अलग सरप्राइज है। ब्लॉग नहीं देखती ना तुम्हें, तो तेरे को देखने चाहिए, तो तेरे को पता होता क्या सरप्राइज है। ठीक है मिठाई ले आऊंगा, वही वाली जो सब्सक्राइबर ने दी थी। चल ठीक है मैं ढूंढता हूँ लेके आऊंगा। चलो गाइज ओके, चलो गाइज चलते हैं और अपनी BMW Z4 टनाटन आज लेके आएंगे। सो गाइज अभी मेरी गाड़ी मेरे सामने खड़ी है, बस मैं ऐसे करके दिखा नहीं सकता, थोड़ा सा सबर और कर लो भाई, एक नंबर हो रखी है गाड़ी। देखो ये खड़ी, दिखाऊं? थोड़ी थोड़ी दिखी, लाल लाल दिखी गाड़ी, इसके बाद अभी बाद में दिखाऊंगा जब प्रॉपर गाड़ी से पर्दा हटेगा। कैसी होगी भाई गाड़ी? भाई एक नंबर, बढ़िया होगी ना? कितना टाइम लग गया इसमें? 3-4 दिन लग गए। हालांकि ऐसे था पहले, हमने सोचा था 2 दिन में हो जाएगा काम, पर 4-5 दिन लग गए, लेकिन 4-5 दिन लगने के बाद गाड़ी जो लग रही है ना वर्थ इट हो गया भाई। ओ भाई बाकी विनय और अमन आ गए थे पहले ही,
कितनी देर पहले आ गए थे भाई? हो गया 40 मिनट हो गए वेट करते थे भाई। मैं जाम में फंस गया था, सच बताऊं मैं वहां चला गया था शेव करवाने, इसलिए लेट हो गया था मैं। कोई ना, क्या हो गया जब। चलो भाई पर्दा हटाए गाड़ी से, हटाते हैं भाई, जल्दी करें भाई स्टार्ट। चलो गाइस अब आप देखो अपनी BMW Z4 का पर्दा, क्या हमने नक्शा बदला है, एक नंबर कर दी सब कुछ। अरे भाई मस्त हो गई, अभी देखना आप। तो भाई अभी मैं अपनी BMW Z4 के अंदर बैठा हूँ, पर आप बोलोगे कि मॉडिफिकेशन तो दिख नहीं रही, क्योंकि मॉडिफिकेशन बाहर है सारी, अभी बाहर से दिखाऊंगा। बस थोड़ा सबर करो, छत खोली है मैंने गाड़ी की, अभी पता लगेगा आपको, मजा आ जाएगा। सो गाइस अपनी BMW Z4 है कपड़े के नीचे, अभी हम कपड़ा हटाने जा रहे हैं और आपको हमारी गाड़ी देखने को मिलेगी, एक नंबर हो रखी है भाई, देखो बस। तो गाइस 3 के काउंट पे हम कपड़ा हटा रहे हैं, 1 2 3। सिटी रोड की रानी मेरी गाड़ी, गाड़ी सूट मसूट चले अजूनो आवे आंदी, मैं सिटी रोड कराचा। देखो भाई अपनी BMW Z4 कैसी लग रही है गाड़ी, एक बार कमेंट करके बताओ यार, करके बताओ गाड़ी। भाई ने चार पांच दिन लगा के गाड़ी का देखो क्या बना दिया भाई। ये देखो ये तुम्हारे भाई का नाम आ गया, पूरे स्पोर्ट्स वाले ग्राफिक आ गए। और ये यही नहीं है, ये पीछे तक है, ये देखो पीछे भी है, ये तो लाडो तो अपना नाम पहले से लिखा हुआ है। और इस साइड देखो, ये देखो भाई इस साइड से भी दोनों तरफ सिमिलर, और आगे तो लिखा है राम का नाम। सारे भाई कमेंट कर दो जल्दी से राम राम। भाई बढ़िया कर दी यार, एक नंबर कर दी तुमने, मजा आ गया। गाड़ी कैसी लगी भाई? मेरे को बहुत पसंद आई भाई, जिसको करवानी है यहाँ आ जाना भाई के पास और मेरा नाम ले देना भाई, काम ऐसा ही करके देंगे बिल्कुल। भाई फिनिशिंग बहुत अच्छी है, देखो कहीं भी 1% ऐसे नहीं लग रहा कि थोड़ा बहुत भी चलता काम हो या अनफिनिश्ड हो, बिल्कुल प्योर और परफेक्ट वो आ रखी है स्मूथनेस भाई, बहुत बेहतरीन। और मैट में करा है ना ये? हाँ, ये मैट फिनिश में है। हाँ, क्योंकि कलर गाड़ी का ऑलरेडी ग्लोस है, तो हमने जो ऊपर से काम करवाया है सारा मैट फिनिश है भाई, बेहतरीन, मजा आ गया भाई। लव यू भाई, लव यू टू। पहली बार देखी ऐसी गाड़ी वो, मैंने पीछे जब मैं गाड़ी देके गया था, मैंने बोला था ना कि गाड़ी को पप्पी दूंगा, तो गाड़ी को पप्पी देता हूँ। और ये भी बोला था भाई को पप्पी दूंगा, लो भाई भाई अपनी बात पे हूँ, देख लो ठीक है भाई। यार बोला था तो यू नो करना तो पड़ेगा ना भाई, बहुत मजा आ गया भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। ऐसी गाड़ी सच में देखी आज तक? नहीं देखी, नहीं देखी, देखने को भी नहीं मिलेगी, कोई कॉपी नहीं कर सकता ये डिजाइन। ओह भाई एक ही नाम है ये सिर्फ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, कोई नहीं कॉपी कर सकता। थैंक यू सो मच भाई, देख रहे हो भाई अभी तो बिना रोड पे निकलेगी तो क्या सोचता है तू, क्या रहेगा लोगों का रिएक्शन? नजर जाने वाली है, मतलब टिक जाएगी। नजर जाने वाली नहीं है, नजर हटने नहीं वाली है, बोल। मजा आ गया, स्पोर्ट्स लुक आ गई, पूरी स्पोर्ट्स लुक आ गई भाई। भाई अब करेंगे इसे ड्रैग रेस, स्पोर्ट्स लुक आ गई कार में, अब आएगा ड्रैग रेस। अब जो उस दिन हम वहां देख के आए थे 3-4 गाड़ियां, अब उनसे सबसे ड्रैग रेस, अब एक एक करके लेके आओ। हाँ अब देखो, वैसे भी मैं ड्रैग रेस में जितनी भी करिए इसे जीता हूँ, अभी भाई अपनी भी ले आएंगे जितनी भी गाड़ियां हैं उनको भी हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से अपनी गाड़ी स्पोर्ट्स तो हो गई है। कोई नहीं भाई, तुमने काम अच्छा कर दिया, लेकिन ड्रैग रेस में ही जीतूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक ही बात है। ठीक है भाई, तो कब करनी है फिर रेस? करते हैं नेक्स्ट मंथ स्टार्ट। नेक्स्ट मंथ खत्म ही हो गया? अच्छा हाँ, ये महीना तो खत्म ही हो गया। हाँ भाई, अपना नवंबर में स्टार्ट कर देंगे ड्रैग रेस करना। हाँ हफ्ते में, बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखो गाड़ी का पर्दा हटा दिया, आपने देख ली गाड़ी कितनी सुंदर है, अब हम ये छोड़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पायरोगन, पायरोगन। अच्छा ये मेरे को, और स्मोक बॉम्ब भी हमारे पास, उसके बाद हम केक भी काटेंगे। अच्छा भाई ये सिर्फ मेरे को दिया जा रहा है या कोई और कस्टमर आएगा उसको? सिर्फ आपके लिए। ओह माय गॉड, पर कोई ना, अगर कोई आएगा मेरे नाम से, बंदा आपका स्पेशल बंदा तो उसके लिए भी। ठीक है भाई, मेरा कोई स्पेशल बंदा आएगा मेरे नाम से, कोई आएगा सब्सक्राइबर उसको भी, बिल्कुल ठीक है भाई। मेरे नाम से कोई भी आओगे आप लोग, आपको भी ये सब सुविधा मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी हम ना रील बना रहे हैं, इसकी रील वगैरह इंस्टाग्राम पे देखना जाके, एक एक नंबर की रील बनाएंगे हम।
कोई नहीं मुकाबला फ्रॉम द पॉट निकला टॉपर डाला पैसा तो मुनाफा मापे गाली सीधा लाफा और रैप नाका सुनते बांग्ला मुझे भाता मैं फाइव स्टार के कपड़े पहन के खाता मैं खुद खावे पे स्क्रीन हो या टीम्स अब पूरा कामयाब मैं गोली वाला माइंडसेट और धोनी जैसा शाप मैं हर पब में जी और गेम है मेरे हाथ में हंसता सीधा बैंक तक 50 वाले लाफ में भाई तू है पीक और मैं लेता हफ्ता अब खुद के तेरे हाथ में तूने रखा चमचा पूरा गैंग है टाइमिंग कवर टॉप टॉप सीधा शश शॉट शॉट्स तेरे ब्रेन में बॉम्बे द बैड मुंडा पंजाब तक कैंड में काम है डिवाइन पर बंदा नहीं हुसैन में शाह से निकला ओवर मेरे रेंज में बैक बेंच वाले लड़के आए फ्रंट पेज में सड़क के महारानी के बेस में मैं संजू बाबा वॉक करता हाथ रख के जेब में देख ले गाइस देखो हमने ना इसके गेट खोल दिए और पीछे की डिग्गी का ये भी खोल दिया सामने से लुक देखोगे एक बार इसकी ओ भाई बचपन में वो देखी थी रिमोट कंट्रोल कार्स ये देखो पंछी बना उड़ता फिरू मस्त गगन में तेरी वाली तो आगे से खुल के और अच्छी लगती है ना तूने एक फोटो डाली थी मैंने तेरी वाली की देखी थी पीछे से डिग्गी खोल दी तूने आगे से अपना बोनट खोल दिया तो इसका पीछे से अच्छा लग रहा है ये हाँ इसका ये वाला व्यू अच्छा लग रहा है तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी का केक कटिंग करने के लिए हमारी गाड़ी की डिलीवरी देखो एक बार और हो गई क्योंकि इतनी बेहतरीन बन गई ना गाड़ी चलो गाइस केक काटते हैं आजा चलो 1 2 3 खुद बना ब्रांड मुंडा अलग पहचान है सब सोचे कौन बंदा बहुत हार्ड है छोटे बहुत ज्यादा कैन मुंडा सभी पीछे मेरे मित्र तेरे पे जट्टू बैड बंदा अरे केक बहुत टेस्टी है भाई केक टेस्टी है कांग्रेचुलेशंस रे भाई कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया गाड़ी का मजा आ गया और भाई केक एक नंबर जबरदस्त जितनी बढ़िया गाड़ी उतना बढ़िया केक लो भाई आप सारे मुंह मीठा कर लो लो भाई दूर से खा लो देखो सच में बहुत बढ़िया केक है तो भाई देख रहे हो अभी अपनी गाड़ी को हम लेके निकल रहे हैं सब कुछ हो गया पर्दा हटा दिया गाड़ी दिखा दी केक काट लिया पंप फोड़ लिए चले भाई अमन चलो भाई चलो बाकी गाइस अपनी इस वाली गाड़ी में जैसे थोड़ा बहुत काम है ये हो गया और स्क्रैचेस वगैरह है ये सब ये भाई कह रहे हैं इसको भी छोड़ जाओ इसको भी सही कर देंगे कब दे दूँ इसे भाई अभी टाइम है तो अभी छोड़ दो अभी तो देखो ऐसा है कि हमें तो अभी गाड़ी लेके जानी है फिर एक दो दिन शूट भी है कोई नहीं जैसे फ्री हो इसमें कितने दिन का काम है ये बताओ दो दिन में आप अगर पेंट पे जाएंगे तो तीन दिन आप मैक्सिमम मतलब तीन दिन लेके चलू मैं तीन दिन तक आपके पास छोड़ दूंगा आपको गाड़ी देंगे जो पीपीएफ ठीक है वो भी चेंज करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है डन है भाई समझ गया आप ले लो तो हम जब चार दिन ऐसा हो ना भाई फ्री है शूट वूट भी हो गया ऐसे फ्री है तो इसको छोड़ देंगे ये भी टन अटन हो जाएगी इस पे जो थोड़ी बहुत स्क्रैच वगैरह रखी है थैंक यू सो मच भाई वेलकम भाई मैंने अपना वादा पूरा करा पुच्ची का थैंक यू सो मच गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है कसम से थैंक यू भाई गाइस एक जेन्युइन कमेंट गाड़ी के लिए करके बताना भाई कि गाड़ी सच में कैसी लग रही है बोला था ना ऐसी गाड़ी दिखाएंगे ऐसी गाड़ी करके दिखाएंगे जैसी आपने कभी नहीं देखी होगी ऐसी गाड़ी आपको रोड पे कहीं नहीं दिखेगी पूरे इंडिया में पहले आप अपने रिव्यू दो आपको कैसी लग रही है गाड़ी भाई मेरे को बहुत पसंद आई आपने मेरे को फोटो वीडियो जब भेजी थी ना बीच में जब काम चल रहा था मेरे को तो तभी पसंद आ गई थी मैंने किसी को दिखाई भी नहीं थी वो सरप्राइज था सबके लिए कि जब बट लेकिन जो फोटोज में दिखती और सामने में उसमें तो आप उसमें तो भाई दिन रात का फर्क है गाइस देखो सच बता रहा हूँ फोटो में इतनी समझ नहीं आई हालांकि बहुत सुंदर लग रही थी लेकिन जब मैं अपनी आंखों से इसे देख रहा हूँ ना तो अलग ही है वो कैमरा में रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता हालांकि कैमरा में देख लो कि कैसी लग रही है जबरदस्त और अब निकल गए रचित जस्ट आगे चल रहा है मेरे से और व्हाट अ पब्लिक रिएक्शन गाइस ये रहा भाई रचित ये जा रहा आगे ओ भाई साहब क्या आगे से क्या बीस्ट लग रही है गाइस भाई साहब खतरनाक ऐसा लग रहा है गाइस चीता भाग रहा है रोड पे चीता रुको यार भाई रचित धीरे चला ले यार बीएमडब्ल्यू भगा रहा है मेरे भाई अबे यार मैं टाटा टियागो में हूँ भाई इतनी तेज नहीं चलती अपनी गाड़ी लेकिन ज्यादा ही पीछे नहीं रहता मैं रुको गाइस आगे निकल गया यार कट मारने का मौका नहीं मिला मेरे को क्या जहर लग रही है यार
ओबे भाई साहब साइड में क्या मस्त। रोड की रानी हम मेरी गाड़ी गाड़ी हा सूट मसूट चल है हा जूनो आवे आंदी मैं जीटी रोड कराजा हा धूल ठादी ठादी हा सारा सौदा देगी वाहा मन्ने जांदी जांदी। भाई साहब रुक गई भाई साहब देखो भाई क्या मस्त लग रही है गाइस ये देखो बाइक वाला बंदा सोच रहा है कौन सी गाड़ी है भाई साहब ये भाई ये BMW Z4 है ग्राफिक्स देख रहे हैं गाइस सब इसके ग्राफिक्स गाइस ये देखो भाई ये देखो बंदे देखो कैसे हो देखो जा कर है कौन है गाड़ी में ओए मस्त लग रही है यार बहुत ज्यादा कितनी प्यारी लग रही है यार। गाइस ये हम कहां गलियों में आ गए भाई मेन रोड पे बहुत ज्यादा गड्ढे हैं इसलिए रचित इस वाले रास्ते से लेके जाता है क्योंकि अपनी वाली गाड़ी नीचे से लग जाती है भाई हर बंदा देख रहा है गाड़ी को तो अब देखो गाइस दिखाऊं आपको रिएक्शन ये देखो ये बंदा मुड़ा ये देखो ये अंकल देख रहे हैं यहाँ पे ओ गजब नजारा है भाई गजब नजारा है ये देखो ओ कौन सी गाड़ी जा रही है देखो भाई लॉन्डे वीडियो बना रहे हैं वो देखो वीडियो बना रहे हैं गाड़ी की वो जा रही है देखो ये रहे तीनों देखो गाड़ी रोको गाड़ी रोको भाई कर रहे हैं रचित को कैसे रोक ले भाई गाड़ी इतना भीड़ भड़क्का वाला एरिया हो रहा है। तो गाइस अपनी लाडो को लेके आ गए हैं ये रही भाई और अभी सिब्बू बल्लू और मिक्की हैं घर पे उनको फोन करके बोल दे नीचे आ जाएंगे और उनके रिएक्शन देखते हैं अगर वो लोग पागल ना हुए गाड़ी देख के तो फिर मुझे बताना नाम बदल देना भाई मेरा नहीं इसका बदल देना मेरी गलती है इसमें इसका तो पहले ही बदला हुआ है और कितना बदलोगे इसका बदल देना भाई फोन करके बोल देता हूँ पागल हो जाना भाई फोन करके नहीं बोलना फोन करके सिर्फ ये बोलना है कि नीचे आओ और अगर अगर रिएक्शन उनके ऐसे नहीं हुए ना पागलों वाले देख के ऐसे तो भाई इसका नाम बदल देंगे आज इसका इसका नाम सोच लो कुछ अच्छा इसका नाम बदल देंगे मैसेज डाल लो पागल मत होना इस बारे नाम तो निकलेगा ओ भाई साहब चलो गाइस चलते हैं और लेट्स सी क्या रिएक्शन होते हैं। तो गाइस फोन कर दिया है मैंने बट सिब्बू नहीं आ रही सिब्बू क्योंकि सोने लग रही है उसने फोन ही नहीं उठाया तो बल्लू और मिक्की आ रहे हैं देखते हैं भाई बल्लू और मिक्की के रिएक्शन ही देख लेते क्या होएंगे सिब्बू के फिर दोबारा देख लेंगे जब सो के उठेगी चले भाई रिएक्शन रिकॉर्ड देखते हैं इनके कैसे होते हैं। हाँ भाई आ जा आंख बंद करके आओ ना तुम पागल हो भाई कैसी लग रही है ओ भाई भाई मस्त लग रही है यार एकदम ऐसे कूदना बंदे की भाई रेसिंग लगा दे रेसिंग कार है रेसिंग कार क्या कह रहा है रेसिंग कार बना रखी है रेसिंग कार तो आई ये गाड़ी क्या कर रही है ये ओ भाई विनय संतरा का अपमान संतरा का अपमान भाई इतना थोड़ी ना सुनता भाई मैं भाई कहाँ मार मार तो गाइस सोसाइटी में फर्स्ट टाइम अपनी लाडो आ गई है छूके तो देख लो छूके देख ले कोई नहीं टच कर सकता है तू जब से दूर से देख रहे हैं छूके देख लो कैसी है ओए उंगली मत मारना रेत लगा हुआ है चाट के साफ करो 24 वर्क 24 आवर्स 24 घंटे काम करो भाई 24 into 7 है भाई सही लगी ना ओए आराम से भाई अबे क्या ये बाथरूम का दरवाजा है हाँ इसको फेंक के मत मारो ओए आराम से भाई इज्जत से मारी है इज्जत से मारी नहीं है बंद कर मैं मारूंगा इज्जत से फिर देख क्या कह रहे हो भाई अरे इसको चुप करो पहले ये तुम्हारी सुनाई नहीं दे रही लाडो तो और बेहतरीन हो गया सर हाँ पास से आके देखो छू के देखो बहुत अच्छा हो गया बहुत अच्छा हो गया ना अच्छा ये सजाने के लिए भेजे थे ना सजाने के लिए दिवाली आ रही है ना दिवाली पे सजवा दी मॉडिफाई करवा दी डेकोरेशन की लगाई थी अभी लाइट भी लगेगी इसमें होम डेकोर कर दिया इसका पूरा मैं सोच रहा हूँ दूसरा लाडो तो नहीं आ गया नहीं 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 रहा ये वो वाली है वही वाली है ना हाँ एक नंबर होगी ना एक नंबर गजब लग रहा है गजब लो भाई गार्ड भाई कह रहे हैं गजब लग रही है वो तो लग ही रही है खैर तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ NSP ये देखो यहाँ मैं आया हूँ भैया के पास और गाड़ी कर दी पार्क भाई साहब क्या लग रही है और रस्ते में जो पब्लिक रिएक्शन आए वो तो भाई लाजवाब चलो ऊपर चलते हैं गाइस तो चलो भाई बहुत दिन बाद NSP आए भैया नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते कैसे क्या हाल है भाई कैसे बढ़िया भैया और कैसे लग रहा है मामा कैसे हो आज पप्पू मामा लापता है तुम्हें पता है कैसे पप्पू मामा थोड़ा ना ये कौन है फिर ये राहुल तो पप्पू मामा लापता दिखाता हूँ आओ अच्छा जल्दी आओ जल्दी भाई कहाँ लेके जा रहे हो पप्पू मामा लापता है आओ तुम्हें लापता में इनकी पुलिस स्टेशन में फोटो लगी हुई है अच्छा ऐसा क्या हो गया अरे पप्पू मामा खो गया हमारा लापता हो गया वो भाई
ये देखो भाई, और ये क्या कर दिया भाई? लापता पप्पू मामा। अरे ये उस वीडियो का सीन है दशहरे वाली का। तो भाई अगर ये पप्पू मामा तुम्हें कहीं मिल जाए, 1,00,000 रुपए का हमने रकम रखी हुई है, अगर हमारा कोई पप्पू मामा भाई मेरे 1,00,000 रुपए पक्के हो गए। योरा भाई, भाई वो पप्पू मामा। तो वो कौन है भाई? वो राहुल कनौजी है, पप्पू मामा की बात कर रहे हैं हम भाई। यही तो है, ये नहीं है पप्पू मामा, ये पप्पू मामा का भाई है जप्पू मामा, ये राहुल कनौजी जी। अच्छा मैं ये कह रहा था, और Z4 नीचे खड़ी है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अरे कोई दिक्कत नहीं, पार्किंग वाले ख्याल रखना, तोड़ देगा। हां ज्यादा तोड़ देगा, इससे भाई कुछ नहीं होगा, उसका टूटा हुआ झेल धक्का तेज लगेगा, कोई नहीं। अच्छा मैंने मॉडिफिकेशन करवा ली और आज ही गाड़ी लेके आया हूं, तो चलो चल के देखें। चले चल, चल रही हो राहुल भैया? खा के चलते, चलो खा लो आप, फिर चलते हैं। फिर उसके बाद इस गाड़ी, बताया आपको एक बात बताऊं, रियलिटी बिल्कुल Z4 वैसे भी रोड पे चलती है तो लोग देखते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन करके मैं उस दुकान से लेके अपने घर गया गुड़गांव, फिर गुड़गांव से INSP आया, मतलब 3 घंटे ड्राइव करी है मैंने। लोग पागल। अच्छा पागल, अरे भाई आप देख, आप देखना, माँ कसम इतना मजा आ रहा ना, लोग पागल सही में आग लगा दी, तो भाई आज तो Z4 चलाएंगे बिल्कुल भैया। मैं भी सोच रहा हूँ गाड़ी लाने की। कौन सी ला रहे हो? रोल्स रॉयस। मैं बताऊँ क्या लो? क्या फरारी प्लीज यार, दिल चलाऊंगा कहाँ। अरे भाई Z4 चलाने की है दिल्ली, फरारी इससे भी नीचे है। कोई ना, आने के बाद सब चलती है, रोल्स रॉयस भी नहीं चला पाओगे ऐसे तो आप। नहीं वो ऊपर हो जाती है, ऊपर तो हो जाएगी, मोड़ोगे कैसे? है मॉडर्न वाली गली है, इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी है वो, चलो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, मोड़ोगे कैसे? मोड़ूंगा बताओ, आपकी इनोवा तो भिड़ जाती है नांगलोई में। नांगलोई थोड़ा रखूंगा उसे, फिर भी दिल्ली में कहीं तो ऐसी जगह लेके फंसोगे, कई बार ट्रैफिक में शॉर्टकट मारोगे तो फंसोगे। यार वैसे सही नहीं, अगर रोल्स रॉयस किसी पे नहीं है, मैं ले आऊंगा तो कैसे? फरारी भी नहीं है भाई किसी पे। यार फरारी बहुत ज्यादा नीचे, 2 सीटर में कहाँ बैठेंगे? नहीं फरारी में ऑप्शंस आते हैं। हाँ मेरी फेवरेट है फरारी रोमा। मैं फिर एक काम करता हूँ, गुरु भाई से बात करता हूँ, पर फरारी मिलनी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रोल्स रॉयस मिल जाएगी भाई, रोल्स रॉयस मिल जाएगी, फरारी नहीं मिलती। तो फिर क्या करें, किसी के पास नहीं है फरारी, किसी के पास नहीं है, सिर्फ उनके पास है। बहुत भाई सच, बस सच आ गया भाई, पप्पू मामा कल मिलती है ना, जुड़वाया वो मेरा, कंफ्यूजन हो जाती है भाई, जुड़वाया वो पदोड़ा आदमी और आप पदोड़े, ये पप्पू मामा वाली हरकतें कर रहे हो, सारा दिन खाते रहते हो, पाते रहते हो, खाना भी ना खाऊं भाई, वो पदोड़ा आदमी अजीब सा आदमी है, कपड़े देखे देख भाई सेम यही है, अच्छे कपड़े पहन रखे। चलो आप खा लो फिर नीचे चल के गाड़ी देखेंगे। चलो भाई डन है, तो भाई लोग रेडी हो गए देखने के लिए गाड़ी? रेडी हम, एक्साइटेड हैं हम, आ जाओ। चलो भाई वो खड़ी गाड़ी सामने, अरे वाह नोटिफिकेशन क्या करा है, वाह कह रहे मॉडिफिकेशन क्या करवाया है, दिखा रहा हूं साइड से, दीवार से दिखा नहीं ना भाई, ये देखो भाई कपड़ा तो लगा लो, कुछ और नहीं नहीं गला बोतल थी भाई, अच्छी लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, कैसी लग रही है भाई? 24/7 अवेलेबल है। हाँ जी ये है कि 24 घंटे काम करो, 24 घंटे ऑन रोड भाई, बहुत प्यारी है, है भैया है ना, कसम से बहुत प्यारी लगी, बढ़िया लग रही है, हाँ बहुत प्यारी लुक है, अच्छी लगी रोड पे चलती। अरे मैं कह रहा हूँ बताओ खुद देख के, सबसे यूनिक लिखवाया, सबसे यूनिक, हाँ परली तरफ भी सेम है भैया, हाँ सेम है एग्जैक्ट उधर डिटो, हाँ आगे तो सबसे यूनिक है ही भैया। भैया राम राम आप दोनों को, राम राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरफ भी सेम है देखो, सेम करवा दो ना, हाँ सेम है कुछ, ये इधर कुछ वो लगवाना, नहीं नहीं अच्छा, अरे भैया आगे का लुक ना क्लीन अच्छा लग रहा है, फिर वो पूरा राम राम के लिए बुक हो गया ना आगे का स्पेस। अच्छा और साइड में ये अपना मॉडिफाई करवा दिया भाई, लोग सच में भैया इतने पब्लिक रिएक्शन आ रहे हैं ना, तगड़े तगड़े है भैया, सेक्सी लग रही है ना, देखना इसके बिना इतनी अच्छी लगती थी, अब देखो मैं तो भाई देख के पागल हो गया। तो भाई लोग वापिस आ गया हूँ गुड़गांव, और आप ये बताओ आपको लाडो कैसी लगी भाई? सबको बहुत पसंद आई, सबको आपने देख लिया ना, सबके रिएक्शन पब्लिक रिएक्शन तक देख लिए ना, सबको बड़ी पसंद आई, आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताओ। बाकी गाइस सिब्बू ने अभी तक नहीं देखी है, अभी जब मैं बाहर गया हुआ था तब वो नीचे आई थी, और जब मैं घर पे गया था उस टाइम सो रही थी तो देखी नहीं पाई लाडो को, और जब नीचे आई सोसाइटी में तब मैं बाहर आ गया था तो भी नहीं देख पाई। अब मैं वापिस घर जाऊंगा, वापिस सोसाइटी में पहुंचूंगा तो अभी वो सोने लग रही है तो अभी भी नहीं देख पाएगी, अब वो कल ही देख पाएगी, और कल आप उसके रिएक्शन देखना भाई साहब, मजा आ जाएगा गाइस, एक नंबर भाई। और थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों की वजह से आज तुम्हारा भाई BMW Z4 अपनी बचपन का प्यार ले पाया है, और साथ ही साथ भाई इतनी तगड़ी मॉडिफिकेशन भी करवा दी गाइज, 1 in India, only 1 in India। तो गाइज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है,
और जल्दी से गाइस इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। मॉडिफिकेशन तो आपने देख ली गाड़ी की, तगड़ी तगड़ी इसकी फोटो वीडियो एंड रील्स वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखने को मिल जाएंगी। जल्दी से मुझे फॉलो कर लो, ये स्क्रीन पे मेरा यूजर नेम आ ही रहा है। इंस्टाग्राम पे जाओ, ये यूजर नेम डालो, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने पेश हो जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, और जाके अपने भाई को फॉलो कर लो गाइस। तो चलो भाई अभी ब्लॉग को करता हूँ एंड, कल सुबह 11 बजे मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए भाई सारे खुश रहो और बोलो जय श्री राम। रखिया मारा वो जट दे पिछे पर तू मैनू बाली जाची दी।